जय भोलेनाथ। सुबह का अभी टाइम हो रहा है गाइस 5:09 और अभी मैं निकल गया हूँ जम्मू के लिए। आज का डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। इधर से 200 किलोमीटर आगे जाके हमें मिलेगा अम्बाला। अभी सुबह का टाइम मैं निकल गया क्योंकि मुझे पता है दिल्ली का ट्रैफिक क्या है। अभी सुबह 5 बजे ही देख लो लोग कितने निकले हुए हैं और सारे गाड़ी बाइक सब कुछ निकला हुआ है। ये गाड़ी इसको ओवरटेक ही नहीं कर सक रहा है। ग्लव्स और बूट्स के साथ बाइक चलाते चलाते ऐसा एक हैबिट हो चुका है अभी कि अभी बिना ग्लव्स और बूट्स के बाइक चला ही नहीं पाता हूँ। बहुत ही ऑकवर्ड फील होने लगता है। अभी थोड़ा कंफर्टेबल हो चुका है ये। मैं बस नहा के निकल गया। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है होटल पे। अभी मुझे कहीं पे ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा या फिर चाय पीना पड़ेगा। मुझे राइड जाना है। इधर में बहुत सारे चौक है और बहुत सारे मोर है। ये बंदर, वाव ब्यूटीफुल बंगलो। इधर में सुबह होने वाला है गाइस और लोग इधर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। सिग्नल ग्रीन है मतलब मैं जा सकता हूँ। पानीपत जाना है तो सीधा जाना है। हाईवे पकड़ चुका हूँ गाइस लेकिन फिर भी मैं दिल्ली के अंदर ही हूँ। इधर रोड पे काम चल रहा है। चंडीगढ़ इधर से 242। सिटी कितना सुंदर लग रहा है ना इधर से। हर जगह पे लाइट्स जल रहा है। दिल्ली का ट्रैफिक गाइस बहुत ही खतरनाक ट्रैफिक है। हर तरफ में नजर रखना पड़ता है। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह देखना पड़ता है। ड्राइव ऑन सेफ राइड, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट यूज फोन व्हाइल ड्राइविंग, सब लिखा हुआ है। लेकिन कोई फॉलो करता है इसे? कोई नहीं फॉलो करता। सब अपना मन का करते हैं। अभी सुबह हो रहा है गाइस और आप देख सकते हो इस तरफ पूरा दिल्ली सिटी। मुझे पता नहीं ये कौन सा एरिया पड़ता है इधर। वाह क्या मस्त लगी ना, मूवी सीन लग रही थी कि दोनों दो तरफ से निकल गए और बीच में एक रह गया। आज बस गूगल मैप मुझे फूट पटांग रास्ते पे होते हुए लेके ना जाए, सीधे रास्ते से लेके जाए। अच्छा हुआ मैं एक्स्ट्रा पेट्रोल रखता हूँ। अगर नहीं रखता तो शायद अभी पेट्रोल के लिए मुझे भटकना पड़ता। कैसा लग रहा है आपको ये व्यू? ये बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस। तू है कौन रे? क्या था ये यार, ये भी मरता हम लोग को भी मरवाता। उफ डर गया मैं ब्रो। रास्ते के बीच में से ऐसे भाग रहा है मेन हाईवे पे। ये देखिए ये 4-lane highway है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन इधर पे वो ऐसे भाग रहा है जैसे कि मतलब उसका घर का गली हो। कितना सुंदर लग रहा है इंडिया का फ्लैग ऐसे लहराते हुए। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉमेडिक बाइकर। मैं हूँ आपका पापोन और आज मैं जा रहा हूँ जम्मू के तरफ। अभी टाइम हो रहा है गाइस 5:41 और अभी तक मैंने 28 किलोमीटर कवर किए। और वो देखो झंडा कितना मस्त लग रहा है ना लहराते हुए। इधर कुछ खा पी लेता हूँ यार, कुछ भी, चाय कॉफी पानी बिस्किट कुछ भी अगर मिल जाए बेहतर होगा। इधर शायद मिल जाएगा, नहीं मिलेगा इधर, आगे शायद मिल सके। मुझे लगता है इधर से निकलते निकलते और आधा घंटा लगेगा क्योंकि दिल्ली का एरिया बहुत ही बड़ा है। टाउन के जाम से मैं निकल गया जल्दी, ये मेरे लिए बेटर हुआ है। नहीं तो जाम पे फंसा रहता। अगर 7-8 बजे निकलता तो मुझे कुछ खाने के लिए कहीं पे रुकना पड़ेगा। बहुत ही तेज भूख लगा है मुझे अभी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इधर से गाजियाबाद निकल जाएगा और मुझे जाना है अभी इधर से स्ट्रेट। इधर के रोड्स यार बहुत ही बड़े बड़े। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाईवे, ये 4-lane highway कितना सुंदर है गाइस। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। दिल्ली वालों के लिए शायद ये इतना अच्छा ना लगे लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाला। और ये सुबह का टाइम है, थोड़ा गर्मी मुझे कम फील हो रहा है इसलिए शायद मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। उस तरफ सूरज निकल चुका है गाइस और मैं अभी दिल्ली को बाय बाय करते हुए। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी। इधर से पानीपत है 40 किलोमीटर, जलंधर, इधर से स्ट्रेट जाना पड़ेगा। तो ब्यूटीफुल नजारा, हमारा देश का झंडा इतने सुंदर तरीके से लहरा रहा है। भारत माता की जय। हनुमान जी और शिव जी का एक मंदिर है।
इधर कुछ खाने पीने का मिल जाएगा शायद शायद। हाँ ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ इधर, इसके बाद निकलता हूँ। उधर गाइस निकल चुका है सूरज और ये देखो बंदर। अभी इधर मैं आया हूँ आहूजा ढाबा में और इधर पे मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका हूँ। ये रही मेरी बाइक, अभी खाना खा लेते हैं, खाना खाते फिर से कंटिन्यू करता हूँ अपना जर्नी। आज सुबह सुबह मैंने ऑर्डर किया है राजमा चावल और एक लस्सी और वो रही मेरी बाइक। तो फिर चलिए मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग के साथ मिलता हूँ। इधर आहूजा ढाबे पे मुझे ओशो का एक बहुत ही अच्छा सेइंग मिल गया, ज्ञान का अभिमान हो जाता है परंतु अभिमान का ज्ञान नहीं होता। तो गाइस मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी निकल रहा हूँ वापस इधर से। ये दिल्ली का गर्मी, पेट्रोल भरा लेते हैं भाई। इधर में पेट्रोल का प्राइस क्या है, 96, फुल कर दीजिए। सो गाइज मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैंने अभी पेट्रोल भी भरा लिया है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह राजमा चावल क्यों खा रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि मैं रास्ते पे ज़्यादा ब्रेक लेना नहीं चाहता, तो अभी कंटिन्यू करते रहूँगा अपना जर्नी, ज़्यादा ब्रेक नहीं लूँगा। अभी टाइम हो रहा है गाइज 7:25 और अभी तक मैंने बस 57 किलोमीटर कवर किया है, अभी मुझे और जाना है 543 किलोमीटर। ये रहा टोल, इधर पे कुछ देना नहीं पड़ा, बाइकर्स के लिए कोई टोल नहीं लगता इधर। अभी मुझे जाते रहना है स्ट्रेट दिल्ली की सड़कों पे, बस मैं और मेरा बाइक। तो सुबह सुबह निकल के बहुत ही मजा आ रहा है यार, ये 4-lane हाईवे बहुत ही सुंदर है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा ये हाईवे। किसी फॉरेन कंट्री में मैं बाइक चला रहा हूँ ऐसा फील हो रहा है मुझे, बहुत अच्छा फीलिंग है इधर में बाइक चलाने का, आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग मिलने वाला है इधर पे। इधर से पानीपत है 27 किलोमीटर, ऐसे खुले एरिया पे बहुत ही तेज हवा देता है, बाइक को पूरा धकेल देता है। आज शायद मुझे बस हाईवे ही मिलने वाला है, मेरे लिए बढ़िया है क्योंकि 100-120 या 130 के स्पीड में मैं चला पाऊंगा। ये कौन सा मंदिर है, आई डोंट नो गाइस, वाओ इट्स ब्यूटीफुल। अगर किसी को पता हो ये मंदिर कौन सा है मुझे कमेंट पे जरूर बताना। मजे आ रहे हैं ब्रो, मजे आ रहे हैं। इधर के सिग्नल्स और बोर्ड्स मुझे बहुत अच्छे लगे, हर थोड़ी देर बाद बाद लिखा रहता है कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, किस तरफ कहाँ जाने का डायरेक्शन किधर है किधर नहीं। अभी गाइस मैं हूँ NH 44 पे और अभी तक मैंने कवर कर लिया है 71 किलोमीटर। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, केसर ढाबा 5-minute ड्राइव। पानीपत है 15 किलोमीटर और इधर से कुरुक्षेत्र है 87 किलोमीटर। इतना पोल्यूशन है इधर में, देखो गाइस धुआं ही धुआं है, गाड़ी वाला बस मुझे रियर व्यू मिरर में देख रहा है और कट्स मार मार के निकाल रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। रास्ते पे अगर एक या दो ऐसे कार मिल जाता है ना जो मतलब चला पाता अच्छा, तो उसको चेस करते करते खुद का भी राइड मजेदार हो जाता है। अगर पानीपत सिटी के अंदर जाना है तो इस तरफ जाना है और अगर कर्नल जाना है तो सीधा। चंडीगढ़ 152 किलोमीटर, अम्बाला 114 किलोमीटर बाकी है। ओ हमारे सिद्धू पाजी, मिस यू ब्रो, बहुत याद आता है भाई का। इधर दिल्ली के साइड में बहुत लोग हैं सिद्धू मूसेवाले के फैन और डाई हार्ड फैन है, हर किसी को लाइन पे लगना पड़ रहा है और मैं साइड से निकल जा रहा हूँ। अभी मैं पानीपत पीछे छोड़ा है, बढ़ रहा हूँ कर्नल की तरफ। हाईवे पे गाड़ी चला रहा हूँ वैसा फील ही नहीं आ रहा है, बहुत सारे बाइक्स कार्स ट्रक्स इन लोगों को ओवरटेक कर करके ही जाना पड़ रहा है और इतना हैवी ट्रैफिक है आप देखो खुद। अभी मुझे और आगे ट्रैवल करना है 511 किलोमीटर। एक्सीडेंट, कितने सारे फ्लैग दिखाई दे रहे गाइस, देखो अभी तक मैंने शायद 10 के ऊपर फ्लैग देख लिया और वो भी इतने बड़े बड़े साइज के। What an highway guys! मेरा 90, 100, 120 यही स्पीड चल रहा है। पीछे मैं पानीपत छोड़ के आ चुका हूँ। अभी गाइस मैं इधर 5 मिनट के लिए ब्रेक लिया था, मैंने कल जो ग्लव्स लिया था वो ग्लव्स पहन लिया
बहुत गर्मी लग रहा है मुझे, और ये ग्लव्स पहनने के बाद अभी थोड़ा हवा पास हो रहा है हाथ में, तो अच्छा लग रहा है। गाइस मैंने अभी तक 120 किलोमीटर चला लिया है। अभी मैं जहाँ पे हूँ इधर से जम्मू है 481 किलोमीटर। मुझे लगता है शाम के 5-6 बजे के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा। इधर के रोड्स मुझे बड़े मजे लग रहे हैं चलाने में। इस ग्लव्स का ग्रिप अच्छा है और अंदर में वेंटिलेशन भी हो रहा है। क्या नजारा है, ये नजारे देखो गाइस। कैमरे में कैसे आ रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत सुंदर लग रहा है ये नजारा। इधर से मुझे स्ट्रेट जाना है कुरुक्षेत्र, और इधर से स्ट्रेट ही जाते हुए मिलेगा मुझे अम्बाला। अमृतसर इधर से है 332। क्या नजारे है गाइस, ये रास्ता एकदम मक्खन है, बटर है पूरा। बस आप आराम से चलाते रहो चलाते रहो, आपको आपका मंजिल मिल जाएगा। कैसा लग रहा है आपको ये नजारा? वाओ, व्हाट ए ब्यूटी गाइस, व्हाट ए ब्यूटी, मजा आ गया मजा। आज मैंने हाइड्रेशन बैग ले लिया है, उसके लिए शायद मुझे थोड़ा ज्यादा गर्मी लग रहा है, क्योंकि बैग एकदम अच्छे से फिट होके बैठा है जैकेट के ऊपर। लेकिन एक चीज का फायदा मिल रहा है मुझे कि मुझे पानी पीने के लिए बार बार बाइक रोकना नहीं पड़ रहा है, मैं बाइक चलाते चलाते पानी पी सकूंगा। जम्मू जाने के लिए, लेकिन ये भी सोच के रखा था कि अगर जम्मू पहुंच नहीं पाऊं शाम तक तो शायद पठानकोट में रुक जाऊंगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि आज पठानकोट में रुकना पड़ेगा, डायरेक्ट जम्मू जा पाऊंगा मैं। जैसा रूट अभी तक मुझे नजर आया, मुझे फील हो रहा है कि मैं पहुंच जाऊंगा जम्मू तक शाम होने से पहले। ये देखो गाइस, और एक गाड़ी पे सिद्धू मूसेवाला, इस बंदे का फैन बेस बहुत अलग है। इधर से चंडीगढ़ है 49 किलोमीटर, और अमृतसर 254। इसे हाईवे कौन बोलेगा, इतनी गाड़ियां, बाप रे, कैसे। वेलकम टू हरियाणा। अम्बाला जाना है तो आपको इस तरफ जाना होगा, और आपको अगर जम्मू जाना है तो आपको इधर से सीधा जाना होगा। अभी टाइम हो रहा है गाइस 9:40, और अभी तक मैंने चला लिया है 217 किलोमीटर। ये टोल पार करने के बाद एक छोटा ब्रेक लूंगा मैं अभी। अरे कहना क्या चाहते हो, ऐसा लग रहा है मैं टाउन के अंदर ही हूँ। सुबह से लेके अभी तक मैंने 220 किलोमीटर चला लिया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा शांति वाला इलाका नहीं मिला। बिजी ट्रैफिक वाला एरिया वही मिल रहा है मुझे। ये शायद पंजाब का बॉर्डर शुरू हो गया, अभी मैं चंडीगढ़ घुस रहा हूँ। शायद पंजाबी में कुछ लिखा हुआ था इधर, तो अभी मैं पंजाब में एंट्री कर चुका हूँ आई गेस। इधर से मेरे डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए मुझे और जाना है 382 किलोमीटर। सुबह मैंने पेट्रोल भराया था, अभी जाके मेरा पेट्रोल कम हुआ है, और एक फुल टैंकी में मेरा अभी तक चल चुका है 317 किलोमीटर। अभी मैं एंटर कर चुका हूँ लुधियाना में, और ये मेरी फेवरेट कार थार। बीच बीच में मेरा GoPro 7 कभी कभी प्रॉब्लम दे रहा है गाइस, तो कहीं कहीं पे फुटेज प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर फुटेज प्रॉब्लम आए तो आप समझ लेना कि GoPro में कुछ प्रॉब्लम आया है। मैं जब आगरा से दिल्ली आ रहा था तब भी मेरे GoPro में कुछ प्रॉब्लम आया था, 2 घंटे का फुटेज एकदम स्टॉप हो गया था एक ही जगह पे। ऑडियो रिकॉर्ड हुआ लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, और जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हुआ वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। वैसा कुछ प्रॉब्लम मुझे मिला दिल्ली आते टाइम। ये है गाइस लुधियाना, और मैं अभी लुधियाना क्रॉस करते हुए जा रहा हूँ। इधर का एरिया थोड़ा ज्यादा ही पोल्यूटेड है, और अभी दोपहर के 12 बज रहे, और अभी मुझे बहुत गर्मी लग रहा है गाइस। इधर से जलंधर है 55 किलोमीटर मोर, जलंधर से मुझे जाना है पठानकोट, और इसके बाद पठानकोट से मुझे जाना है जम्मू। मुझे आगे कहीं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेना पड़ेगा, एक पेट्रोल पंप मिल जाए भाई, और कुछ नहीं चाहूँ, बस एक पेट्रोल पंप चाहूँ। पेट्रोल पंप अगर नहीं भी मिले तो भी टेंशन लेने का कुछ है नहीं, मेरे पास पेट्रोल है 9 लीटर्स अप्रोक्स। ये शिव जी का मूर्ति देखो गणेश जी के ऊपर, बहुत बढ़िया है ना, वाह ब्यूटीफुल। पेट्रोल पंप, वाह मिल गया।
फुल कर दीजिए। दिल्ली में भी 96 था, इधर में भी 96। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत 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 ज्यादा गर्मी है, सहा नहीं जा रहा है, इतनी गर्मी है। कितना सुंदर लग रहा है गाइस ये सब। अभी मैं क्या खाऊं, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ क्या खाऊं। मुझे चाउमीन फ्राइड राइस ये सब खाना इतना पसंद नहीं है। इधर में शायद एक्सीडेंट हुआ एक। ओ हो, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। मेरे बहुत सारे भैया लोग पढ़ाई किए इधर। वाह, बिस्तर बना लिया इधर तो। मुझे जाना है पठानकोट और मुझे अभी लेफ्ट लेना है। इधर से होते हुए नीचे के रास्ते से मुझे राइट घुस जाना है। ये देखिए लिखा हुआ है NH 44 पठानकोट इस तरफ, गन्ने का खेत गाइस। और इधर पे पेड़ काटा जा रहा है। अभी तक गाइस मैंने 392 किलोमीटर कवर कर लिया है और अभी टाइम हो रहा है 1:14, अप्रोक्स 400 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिया है अभी तक। इधर पे गाइस मेरी बाइक रखी है और इधर पे मेरा खाना आ चुका है, बटर रोटी, पालक पनीर और लस्सी। A few moments later. मैं अभी थोड़े टाइम का ब्रेक लिया था, मुझे बहुत भूख लगा था और मैं कुछ खाने के लिए रुक गया था। अभी जाके थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। और वो देखो गाइस, मॉडिफाइड थार, मस्त लग रही है ना, पंजाब में दिखती है ये सब। अभी टाइम हो रहा है 2:30 के करीब, मैं शायद पहुंच जाऊं जम्मू। गाइस मैं गर्मी थोड़ा भी सह नहीं सकता, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अभी मैं हूँ जलंधर में और इधर से मुझे आगे जा मिलेगा पठानकोट। इधर पंजाब के लोग गाड़ी के पीछे ये छोटा सा क्या लगाते हैं, इनके इधर का फैशन होगा। मैंने बहुत सारी गाड़ियों के पीछे ये लगा हुआ देखा। वाह, ब्यूटीफुल गार्डन यार। 3-4 दिनों से स्ट्रेट रोड्स पे चलाते चलाते बोर लगने लगा है मुझे अभी। कभी कभी व्यू अच्छा मिल जाता है, नहीं तो ऐसे सिटी के अंदर से घूमते हुए जाने का कोई मजा नहीं लगता मुझे उतना। मुझे पहाड़ वाला रोड चाहिए जहाँ मुझे थोड़ा नेचुरल हवा भी लगे। इधर में भी नेचुरल हवा लग रहा है लेकिन वो पूरा हवा गर्म है और ऊपर से बाइक और कार के साइलेंसर से जो धुआं निकल रहा है, उस धुआं को सहना मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क हो जा रहा है। मुझे और 3-4 ग्लास लस्सी पीने का दिल कर रहा है। वाह क्या सुंदर एरिया है गाइस, देख रहे हो ऐसे नीचे उतरते जा रहे हैं और ऐसे पेड़ से भरपूर, वो और क्या चाहिए। सबको रुक के टोल देते हुए जाना है पर हमें बाइक को लेके साइड से निकल जाना है। इसका मेमोरी फुल होने वाला है बस, और 14-15 मिनट ये रिकॉर्ड कर पाएगा। तो अभी इसको थोड़ा देर के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, बाद में फिर से मैं ऑन करूंगा। गुरदासपुर इधर से 40 किलोमीटर और पठानकोट है 52 किलोमीटर। आप लोग अगर इस तरफ आओगे तो आप लोगों को दिल्ली से निकलने के बाद आपको वो टेंशन रखना नहीं पड़ेगा कि आपको होटल नहीं मिलेगा एंड ऑल। जम्मू पहुंचने के पहले आपको मिलेगा पठानकोट, पठानकोट में भी आप रह सकते हो, जम्मू में भी आप रह सकते हो। और ऑन द वे बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो आपको नजर आ जाएंगे। ऑन द वे हाईवे के साथ ही बहुत कुछ है, आप अगर चाहो तो इधर भी रह सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे असम में सिलीगुड़ी तक जितने भी ब्रिज है उसके नीचे पानी था, इधर में जितने भी ब्रिज है उसके नीचे रोड है। ये फर्क है हमारे और इधर का। अभी तक मैंने कंप्लीट कर लिया है गाइस 443 किलोमीटर। ले भाजी, हाँ ले। लद्दाख कहाँ से है? असम। असम से लद्दाख पूरा घूम के जाओगे? चैनल है मेरा, सब्सक्राइब कर लेना, आपको वीडियोस नजर आएंगे। तो मेरे को ना देख के खुशी हो जाती है, मैं ना कई बार रोकने की कोशिश करते पर आप ना जाते ही ऐसे तेज तेज हो तो करो, किसी को रोक नहीं पा, वो तो आपने खुद रोक लिया, मैं इसलिए रुक गया आपके पास। ओके भैया, हां थैंक यू भाई। 20 minutes later. मैं इधर पे रुक गया था खाना खा के, इतना गर्मी में मैं चला नहीं पा रहा था तो थोड़ा इधर रेस्ट कर रहा था। रेस्ट लेने के साथ साथ मैं आप लोग के लिए कुछ ड्रोन शॉट्स भी लिया। ये ड्रोन शॉट्स देखो और आप बताना आपको कैसा लगा।
टाइम हो रहा है 4:31, 5:30 PM या 6 PM को मैं पहुंच जाऊंगा। इधर रेड सिग्नल है, निकल कोई रेड सिग्नल नहीं मान रहा। इधर से पठानकोट है 40 किलोमीटर और जम्मू है 146 किलोमीटर। पठानकोट से जम्मू है बस 110 किलोमीटर। आज पूरा दिन का राइड मेरे लिए सबसे ज्यादा टायरिंग था, क्योंकि आज बहुत गर्मी लग रहा था मुझे यार, सहन नहीं होता मुझसे गर्मी। मेरे लिए गर्मी मतलब एसी होना चाहिए, बिना एसी का मैं रह नहीं पाऊंगा। बाकी सब ठीक था, GoPro थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था, अभी तो सही चल रहा है। वाओ ब्यूटीफुल रोड्स, क्या सीनिक ब्यूटी है ये, देखो यार कश्मीर कश्मीर वाला वाइब मिल रहा है मुझे अभी, मजा आ गया मजा। ये गाड़ी वाले ना कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं, कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं। ये देखो अभी उस तरफ जा रहा है। गुवाहाटी शिलांग बाईपास का याद आ गया मुझे इस रास्ते में चलाते हुए। आप लोग कभी गुवाहाटी की तरफ आओगे तो आप लोग गुवाहाटी शिलांग के बाईपास वाला रोड एक बार देखना, आप समझ जाओगे मैं क्या बात कर रहा था। जम्मू है पता नहीं कितना, 122 किलोमीटर शायद। व्हाट अ ब्यूटी गाइस, व्हाट अ ब्यूटी, ये देखो गाइस, उफ इतने सुंदर रास्ते, प्यार हो गया मुझे। और गाइस मैंने अभी तक चला लिया है 487 किलोमीटर, अभी मुझे और चलाना है 117 किलोमीटर। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ हाँ बहुत दूर से हैं आप। नाइस टू मीट यू सर। नाइस टू मीट यू। निकले कहाँ से हो? पंजाब से, जलंधर से। अच्छा, मैं जलंधर पे लंच करके अभी बस निकल के आया हूँ। मैं जा रहा हूँ मनी महेश। वो कहाँ पे, किस तरफ है? महेश है यहाँ से चंबा, जैसे अमरनाथ यात्रा वैसी मनी महेश यात्रा है। अच्छा चलिए, तो राइट सेफ। इस बुलेट का टायर इतना पतला है लेकिन भाई एकदम मतलब लेटा लेटा के निकल रहा है, लीन करते करते। राइडिंग पोजीशन देखो भाई का, वो खतरनाक। वाओ जय भोलेनाथ। आई गेस गाइस मैं पठानकोट आ चुका हूँ और इधर में भी पंजाब पुलिस। जम्मू है 103 किलोमीटर। जम्मू, जम्मू सीधा इधर से कहाँ से आए? मिजोरम। मिजोरम, इंफाल मिजोरम। मोटरसाइकिल से? अभी रेस्ट कहाँ कर रहे हैं? जम्मू। जम्मू आज एक घंटे का सफर होगा। हाँ हाँ चलते हैं अंकल। आई एम एंटरिंग जम्मू एंड कश्मीर गाइस। पता नहीं इधर क्यों खड़ा है इतना सारा गाड़ी, बस मुझे किसी प्रकार का जाम ना मिले गाइस। जाम मिलेगा दिमाग खराब हो जाएगा मेरा पूरा। वाव पहाड़ी नदी, मजेदार नजारा है ये, मजेदार। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा ये एरिया। भैया इस नदी का नाम क्या है? रवि। ये पंजाब और ये जम्मू एंड कश्मीर, ये बॉर्डर है ना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू। नहीं नहीं आए थे, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। तो गाइस ये ब्रिज का नाम है रवि और इस रिवर का नाम है रवि रिवर, और इस ब्रिज के उस पार पंजाब और इस ब्रिज के इस पार जम्मू एंड कश्मीर। वाओ व्हाट अ ब्यूटी गाइस। ओह ये चेक पॉइंट बहुत बार देखा था मैंने, आज इसके सामने से होते हुए जा रहा हूँ। महाराजा गुलाब सिंह, वाओ वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर गाइस। एक ही वीडियो में मैंने आपको दो दो स्टेट पे लेके आ गया, एक पंजाब और एक जम्मू एंड कश्मीर। मेरे भाई ये जम्मू एंड कश्मीर का टोल क्रॉस किया हमने, अभी हम घुस चुके हैं जम्मू में। अभी टाइम हो रहा है 5:27 और मैं अपना बाइक चला के जम्मू एंड कश्मीर तक आ चुका हूँ गाइस। बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ऐसे ही मैं एक्सप्रेस करने में थोड़ा कमजोर हूँ। मेरे अंदर में लड्डू फूट रहे हैं, इतना खुश हूँ मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं अपने बाइक को घर पे चाबी लगाया और मैं इधर तक आ गया। आई डिड इट गाइस, जम्मू तक आ चुका हूँ और लेह लद्दाख बस कुछ ही दिन बाद मिलेगा मुझे। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए चैनल को, मेरे चैनल को ग्रो करवाने में थोड़ा हेल्प कीजिए, ताकि आपका भाई आपके लिए और वीडियोस बना पाए। भाई इतना बड़ा सामान ट्रक के ऊपर। जम्मू स्मार्ट सिटी, आ गया मैं गाइस जम्मू। सिटी तो बड़ा सुंदर है भाई, ट्रैफिक भी बहुत मैनेजेबल है। तो गाइस मैं आके अभी पहुंच चुका हूँ जम्मू, बहुत सुंदर है ये शहर और ये जम्मू सिटी का सिटी बस। मुझे सिटी के अंदर जाना है, होटल अशोका न्यू डायमंड। ओके थैंक यू। रूम होगा भैया?